हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में परफेक्ट तरीका क्या है मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने के लिए, अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, आपको भी इस प्रकार से अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है, तो बढ़िया कसते हो या परफेक्ट तरीका क्या है जिससे आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा, ये कंफर्म होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो थ्रू बताऊंगा। एंड दोस्तों, ये जो मैंने अप्लाई किया है ना, चैनल मोनेटाइज हो गया यार, आपका भी हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके अपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई करते हो। तो चलिए, आपका अगर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है तो फिर अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं अप्लाई पे क्लिक करके। ओके, सो दोस्तों स्क्रीन पे जाएंगे। स्क्रीन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्क्रीन से ही करना है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन से ही करना है, आप मोबाइल फोन भी कर सकते हो, जो कि आपको क्रोम ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस से आप क्रोम ब्राउजर थ्रू करते हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड इसलिए करता हूँ स्क्रीन का, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल में हम मल्टीपल ईमेल आईडी को लॉगिन रखते हैं, इससे क्या होता है कि हमें खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई किस ईमेल आईडी पे हमारा काम हो रहा है। तो आप अगर एक सिंगल ईमेल आईडी से काम करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर रहे हो तो मेरी पर्सनल रिकमेंड है कि आप वहां से बाकी फालतू के जो अपने सब फॉर सब के लिए ईमेल आईडी को ऐड कर रखा था, या फालतू अपने 10-15 ईमेल आईडी ऐड कर रखे, वो सबको हटाकर और सिर्फ एक ईमेल आईडी को रखें एंड उससे मोनेटाइजेशन करें, आपका कन्फर्म डन होगा। ये मेरी गारंटी है यार, मैंने करा है, आपको भी यही करना होगा। ओके, तो चलिए समझते हैं एंड जानते हैं कि मोनेटाइजेशन को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर्स में। यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो कि प्रभात ग्वालियर का चैनल है, जिसपे पिछले बार हमने अपना क्या किया था, सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन किया था। इससे पहले मैं बता दूं, मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले, कि आपके डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड या आपके टाइटल में कीवर्ड होंगे मल्टीपल, उसको रिमूव कर देना है। तो हम यहां से कुछ इस प्रकार से कीवर्ड थे हमारे, हमने सबको रिमूव करके नॉर्मल कीवर्ड कर दिए हैं। तो आपको भी अपना डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड को उड़ा देना है, नहीं तो आपको मिसलीडिंग मेटाडाटा या मिसलीडिंग कंटेंट का इशू आ सकता है। अब दोस्तों फिर से मैं यहां पे रिफ्रेश कर चुका हूं एंड रिफ्रेश करने के बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूंगा। मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पे हमने मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देखते हो कि सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन का इशू था, जो कि दोस्तों कैसे हमने सोल्व किया, ये वीडियो आ चुका है, आई बटन मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख के सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है, अप्लाई पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करके आगे हमें प्रोसेस करना है, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन आप सोल्व कर लोगे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही। तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपका भी, एंड नया नया आप चैनल मोनेटाइज कर रहे हो तो ऐसा ही दिखेगा। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तीन स्टेप आपको देखने को मिलेंगे मोनेटाइजेशन में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप पे स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स एंड कंडीशन, तो मतलब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेंगे यूट्यूब का, तो जो कि यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको फर्स्ट स्टेप में, रिव्यू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो पढ़िए, आई एक्सेप्ट कीजिए एंड सीधे अप्लाई टर्म्स पे क्लिक करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए ये तो करना ही होगा एंड ये बस यू मतलब डन हो जाता है, आपको परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमारा बस डन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी वेट नहीं करना पड़ेगा। सो फाइनली हमारा रिफ्रेश होके और डन हो गया। डन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे डन हो चुका है। अब हमारे सामने आ गया है सेकेंड स्टेप, जो कि दोस्तों एडसेंस है। तो यहाँ भी आपको स्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब इस स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, जहां से आपका एडसेंस अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मिलेगा स्टेप टू, यू हैव टू रिडायरेक्ट एडसेंस अकाउंट, जो कि दोस्तों आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एडसेंस अकाउंट के ऊपर में, एडसेंस पेज के ऊपर में। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास पहले से है या आप नया बनाना चाहते हो, तो मैं नया बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे नो आई डोंट हैव एनी एडसेंस एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है एंड क्लिक करके नो एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो बस यहाँ पे नो आई डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करना है एंड आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको बस प्रेस करना है एंड क्लिक कर दिया हमने। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, या तो दोस्तों आप उसी ईमेल आईडी से करें, तो हम यहाँ पे सेम ईमेल आईडी करने वाले हैं, मतलब मुझे वही ईमेल आईडी यूज करना है जो हमारा चैनल है, उसी का ईमेल आईडी से हम एडसेंस बनाएंगे। तो उसी ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, फिर इस प्रकार से कुछ आपको पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आप डिफॉल्ट यूज करते हो, यहाँ पे आप देखते हो योर वेबसाइट, तो आपका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। गेट मोर अबाउट, यहाँ पे आउट ऑफ एडसेंस, तो यहाँ पे यस नो कुछ भी करते हो। तो मैं यहाँ पे आपको
यस करने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं यस कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम यस करते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा। कंट्री सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया से हम हैं। यहाँ पे जो ये चैनल है इंडिया का है, तो इंडिया सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों हो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको एडसेंस का भी अपना टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है यस एंड आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद, एंड इस पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आपको फिर एक नया इंटरफेस मिलेगा जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आप दोस्तों कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो चुका है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको बिजनेस इंडिविजुअल देखने को मिलेगा, तो आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पर्सनल रिकमेंड है, इंडिविजुअल सिलेक्ट करें क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं। यहाँ पे आपका नाम होगा जो आपके पैन कार्ड पे, आपका खुद का नाम जिसके नाम से आप एडसेंस अकाउंट बना रहे हो, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी एंड पोस्टल कोड, यहाँ पे स्टेट एंड फोन नंबर, बस इतना सारा फॉर्म भरना है। मतलब थोड़ा सा ही है। भरने के बाद हम मिलते हैं, अभी भर लो एंड फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये भरने के बाद दोस्तों आपको आगे बस सबमिट करना है एंड आपका इन प्रोसेस जा चुका होगा। तो इतना काम आपको करो, इतना फॉर्म भरो जो कि मैं भर के आपसे मिलता हूँ। प्राइवेसी के कारण मैं इस सबको ब्लर कर दूंगा एंड आई होप कि आप सही से भर लोगे अपने एड्रेस को। तो मैं भर लेता हूँ। ओके हाँ, अभी भर लो। सो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लिया है जो इसमें भरना था, मैंने एग्जैक्टली भर दिया है। आई होप कि आप भी भर लोगे एंड जो एड्रेस टू उसमें आप नंबर डाल देना एंड सिंपल आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जब आप सही से सब कुछ भर लोगे तो सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये आपको रीडायरेक्ट टू योर यूट्यूब कर देगा। तो यहाँ पर रीडायरेक्ट टू योर यूट्यूब भी रीडायरेक्ट का ऑप्शन भी आएगा, बट आपको खुद से नहीं करना है, इसे ऑटोमेटिक करने देना है। थोड़ा टाइम देना है इसको ताकि ये खुद रीडायरेक्ट करे। इससे क्या होगा कि आपका लैग नहीं होगा, मतलब कहते हो कि आपका कनेक्शन कटेगा नहीं। अब दोस्तों हमारा ये चैनल रिव्यू के लिए जाएगा, मतलब कहते हो एडसेंस के लिए जाएगा एंड एडसेंस एक्सेप्ट करेगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा अभी एंड बस इन प्रोसेस में चला जाएगा। सो अब दोस्तों यहाँ पे सेकेंड जो स्टेप है हमारा इन प्रोसेस जा चुका है एंड इस सेकेंड स्टेप के बाद ये थर्ड स्टेप है, ऑटोमेटिक हमारा इन प्रोसेस जाएगा जब डन हो जाएगा। तो चलिए हम वेट करते हैं दोस्तों। वेट करने के बाद यहाँ पे कितना टाइम लगता है ये मैं आपके शेयर करूंगा कि सेकेंड स्टेप में कितना टाइम लगा एंड थर्ड स्टेप में कितना टाइम लगा, ताकि आप उसके अंदाजा लगा सकते हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 6 घंटे के बाद ये इन प्रोसेस से डन हो चुका है एंड डन होने के बाद हमारा ये थर्ड इन प्रोसेस चला गया एंड थर्ड में जाने के बाद दोस्तों ये मुझे 6 दिन के बाद जाकर मोनेटाइज हुआ एंड मोनेटाइज से पहले इसमें मतलब कहते हो कि 6 दिन में ये फंस चुका था अंडर रिव्यू जाकर। तो मैंने क्या किया कि कुछ और भी ट्रिक अप्लाई किए हैं जो कि आपको आई बटन में एंड इन स्क्रीन में मिल जाएंगे। आपको आप देखकर उस प्रॉब्लम को सोल्व पाओगे। अगर आपका थर्ड स्टेप में जाकर फंस जाता है, रिव्यू में फंस जाता है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक एंड आई बटन में मिल जाएंगे, एडीसी मिल जाएंगे। तो आप देख के इन प्रोसेस से बाहर भी निकाल सकते हो इसके थ्रू। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जब आपसे प्रॉब्लम हो तो आप सोल्यूशन निकाल पाओ खुद से, या दोस्तों मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा पाओ। तो मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूं, सबको हेल्प भी करता हूं। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम ही ना आए एंड आप अपना चैनल को अच्छे से मोनेटाइज कर पाओ हमारे वीडियोस को देखकर। वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल बनाए सब्सक्राइब करना एंड इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो यार लाइक कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।